अस्सलाम वालेकुम। फूड स्टैंड की तुरमाना में आज मछली कढ़ाई बन रही है। आधा किलो मछली पे मैंने 1.5 चम्मच पिसी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, नमक हफ्जा ज़रूरत, इसको मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया है। अब मैं एक तवे में तेल डालें आप और उसको अच्छा सा गोल्डन फ्राई करके फ्राई कर लेना मछली को। जितनी अच्छी मछली फ्राई होगी उतनी अच्छी आपकी मछली कढ़ाई बनेगी, उतने ही उमदा और टेस्टी भी ये बनेगा। तो आपको फ्राई का जो है ना मैंने प्रोसीजर थोड़ा स्लो कर दिया ताकि आपको समझ आए कि उसको किस हद तक हमें गोल्डन ब्राउन करना है। तो आप देख लीजिए मछली किस तरह फ्राई हो रही है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही जायकेदार ये बनता है। ट्रस्ट, आप चावलों से खाएं या रोटी के साथ जैसे कीजिए आप इसको खा सकते हैं। हर चीज़ के साथ इसको माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनेगा। हाँ, ज़रा सा ये है कि वीडियो थोड़ा सा मैंने बाद में स्टार्ट ले लिया था, लेकिन इतना कोई वो नहीं है। मैंने इंग्रीडियंट जो है ना लिख के लगा दिया, तो आप पढ़ लीजिएगा। सो मैरिनेट करने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ करनी है। बात ये फ्राई की कुछ थोड़ा सा देख लीजिए, ये बहुत ही मज़े का बना हुआ। आप इसको ऐसे भी फ्राई खा सकते हैं, लेकिन इसको आज तो मैं बना रही हूँ मछली कढ़ाई, तो इसके लिए इसके अच्छा से इसका गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। तो ये बिगनर वालों के लिए मैंने ज़रा स्लो करा हुआ है मछली फ्राई का, ताकि उनको ज़रा मछली फ्राई करने का एक होता है ना ईजी हो जाती है। जो नई बच्चियाँ हैं जिनको होता है ना कि बंदा बिल्कुल नया है उसको पता नहीं है, और जिनको आता है उनके लिए तो खैर ईजी है। इसके थोड़ा सा मैंने फ्राई का प्रोसीजर आप सोच रहे मैंने क्लास टू करा। अब मैंने एक फ्राई पैन लिया, उसमें 1/2 कप तेल डाला, 1 कप मैंने प्याज पिसा हुआ डाल दिया है। उसको अच्छे से आप भून लेंगे ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए। फिर इसमें मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन डाल दिया है, इसको भी मैं भून लूँगी। अब इसमें मैं 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 1/2 चम्मच पिसा हुआ धनिया और क्या नाम है 1/2 चम्मच हल्दी और नमक हफ्जा ज़रूरत इसमें डाल दें। अब इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अब मैंने इसमें 1 कप टमाटर पिसा हुआ डाला है, इसको भी अच्छे से मैं भून लूँगी। अब ये भून गया है, अब इसमें भुना हुआ कुटा हुआ जीरा 1 चम्मच डाला है, भुना कुटा जीरा 1 चम्मच और 4 हरी मिर्चों को बीच में से काट के डाला है। अगर ये बहुत फीकी है, अगर आपको लग रहा बहुत फीकी है, तो आप 1 या 2 डालिएगा बस। ये ऐसे सिर्फ अरोमा और खुशबू के लिए डाला है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, अपने अपने टेस्ट की बात है। अब इसमें हफ्जा ज़रूरत नमक डालें और अच्छी तरह से मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और जब इसको थोड़ा सा ढक्कन ढक देंगे। अब इसमें बॉईल आ चुका, अब मैं मछली को ऊपर से इस तरह आप जिस तरह मैं रख रही हूँ इसी तरह बिल्कुल आप रखिएगा, क्योंकि मछली डालने के बाद उसको हम चम्मच चला नहीं सकते। अब वो बॉईल आ चुका है और फिर मैंने धारा धनिया डाल, मैक्सिमम मछली डालने के बाद आप सिर्फ 5 मिनट पकाना है, इससे ज़्यादा आप उसको पकाइएगा मत। और ये देखिए मज़ेदार मछली कढ़ाई तैयार है। आप मुझे फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा लाजमी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कैसी बनी है। अल्लाह हाफिज़।